हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हितेश्वरी राउत। योर डॉक्टर, मैं आप सबको एक बड़ा सा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखना। मैं आज आपको बताऊंगी कि रशिया से इंडिया पार्सल कैसे होता है, सामान आपको कैसे वहां पहुंचाना है आपका। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि उन्हें सारा प्रोसीजर पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, कितने किलो के पार्सल के लिए कितने रुपीज लगते हैं। ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ का गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है और ये बहुत ही कम प्राइस में आपका सामान बहुत ही जल्द आपके घर तक पहुंचाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल था, तो मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर करूं। अभी मैं हूँ हॉस्टल पे, तो मैं करूंगी अपनी सामान की पैकिंग, फिर मिलते हैं पैकिंग करने के बाद। ये मेरे फ्रेंड्स मेरी हेल्प करते हुए सामान नीचे ले जाने तक। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। Никто не хочет, да? Потому что смотреть пока я не могу. Да. और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वो है हमारा सेंटर का पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस है हमारे ट्रैफिक सिग्नल से दूसरी ओर, तो हमें रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा और हमारे ड्राइवर भैया ने भी हमें उस तरफ नहीं छोड़ा, तो हमें सामान लेके वहां पहुंचना पड़ेगा। तो हमने हमारा सामान हमारे टैक्सी में से उतार दिया और हम पहुंच गए इस तरफ, और हमारा दोस्त अटक गया उस तरफ। तो ये हम अंदर आ गए हैं पोस्ट ऑफिस के, और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे है लोकल पोस्ट ऑफिस और लेफ्ट हैंड साइड पे है रशियन और इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस। अगर हमें बाहर से सामान रिसीव करना हो या हमें पार्सल करना हो तो हमें लेफ्ट साइड वाले पोस्ट ऑफिस में जाना है। पे हमें क्लिक करना है अतिप्रावित पोचता पर, उसके बाद हमें क्लिक करना है अतिप्रावित पार्सल कूपर जाल टू। ये हमारा नंबर आ गया है जो 067, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। वो नंबर यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा और तब हमें उनके पास जाना है। वेट कर रहे हैं हमारा नंबर आने का, और जैसे ही हमारा नंबर आता है हम हमारा सामान लेके बाहर जाएंगे और वो हमारे सामान को वे करेंगे, उसके बाद वो प्राइस बताएंगे। आप और फिर जब हमारा नंबर आ गया था तब हमने हमारे सब सामान को काउंटर के पास रख दिया था और हम फॉर्म्स फिलअप कर रहे थे, क्योंकि लोग करीब हमें 4 to 5 फॉर्म्स देते हैं डिफरेंट जो हमें फिलअप करने होते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो दे विल काउंट नंबर ऑफ द पार्सल वी हैव एंड दे विल गिव सच पेजेस
अकॉर्डिंग टू द पेजेस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पासेस, दे विल गिव दिस फॉर्म टू फिल अप इन द फॉर्म. सो ऑन दिस पेज वी हैव टू राइट सेंडर्स नेम, आवर नेम एंड एड्रेस वेयर वी हैव टू सेंड द पार्सल. एंड ओवर हियर वी हैव टू मेंशन, ओवर हियर वी हैव टू मेंशन थिंग्स दैट व्हाट आर थिंग्स आर देयर इन आवर बैग एंड इन व्हाट क्वांटिटी दे आर. Beautiful tattoo. Не, коробками это будет. Пакет, да? Да вот это все еще? Да, еще. Коробки здесь не вариант. Только пакеты. Вытащите, пожалуйста. सो द पर्सन ओवर देयर इज़ पैकिंग माई पार्सल. और वहाँ से ही हमने बॉक्स ख़रीदा था जो था 250 या 280 के अराउंड, और उसी में सब सामान मेरा पैक हो गया था. हमारे पास वहाँ पैकिंग के लिए टू ऑप्शंस होते हैं, एक होता है बॉक्स और दूसरा होता है पॉलीथिन. अगर हमारे पास बहुत कीमती वाला सामान है या कांच वाला सामान है तो हम उसे बॉक्स में पैक कर सकते हैं. हमारे पास अगर बड़ी बैग हो तो हम उसे पॉलीथिन में पैक कर सकते हैं. तो आपके घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर जहाँ पे आपको ये पार्सल पोस्ट करना है, वहाँ का आप A4 साइज़ पेपर पे लिख के उन्हें कह सकते हैं कि प्लीज़ ये भी अटैच कर देना सेलोटेप से, तो वो आपके पार्सल पे वो भी चिपका देंगे. सामान पैक होने के बाद एड्रेस और फॉर्म सामान के ऊपर लग जाने के बाद होता है पार्सल का वे. तो ये रहा वेइंग मशीन के ऊपर वो वे करते हैं, उसके बाद प्राइस लिखते हैं. और आज मैंने स्पॉट किए टू टैटूज, उसमें से ये भी एक टैटू है. इसने बनाया था कुछ ड्रैगन वाला, और पैर पे भी उसने अलग टैटू बनवाया था. प्लास्टिक पॉलीथिन लाइक दिस, इट कॉस्ट अराउंड 174 to 200 रूबल्स फॉर 3 to 4 पैकेट्स, एंड फॉर द बॉक्स इट कॉस्ट अराउंड 250 to 280 रूबल्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू वॉट एवर यू चूज फॉर योर सेल्फ. हमारा नंबर था J67, लेकिन हम पहुंच गए J50 पे, क्योंकि वहाँ अंदर काम करने वाली लेडी ने हमें पहले ही जाने दिया, तो हम लकी थे. आप आपके पार्सल में इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी सेंड कर सकते हो, जैसे कि राइस कुकर, रोटी मेकर, जूस मेकर या कॉफ़ी मेकर या बारबेक्यू मशीन. चाहे आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो, टीवी भी आप सेंड कर सकते हो आपके पार्सल में, लेकिन टीवी आपको आपके रिस्क पे सेंड करना होगा. आप ज्वेलरीज भी सेंड कर सकते हो, नेकलेस सेंड कर सकते हो. आपको बस अवॉइड करना है नेल पेंट्स और शैम्पू जैसी लिक्विड चीज़ों का, आपको वो सेंड नहीं करनी. आप वो सेंड कर सकते हो, बट आपको वो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि लिक्विड चीज़ें मोस्टली पार्सल में नहीं जा सकती है. और ये हमने भरे थे बहुत सारे फॉर्म्स जिसके ऊपर लिखना था कि पार्सल के अंदर क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें हैं, उसके अप्रॉक्सीमेट प्राइस क्या है और वो कितने किलो का है, तो सब ये मेंशन करना पड़ता था. एंड यू हैव टू डू योर साइन ओवर हियर. This what things are there inside, number of things, and how many kgs approximately it's, and your sign. यहाँ पे 4000 रुपीस पर 20 केजी ले लिया था, और जैसे जैसे हम केजीज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ती है. तो हमने कभी 55 केजी पार्सल किया है, तो उसको देखते हैं हमें 15-16000 तक अप्रोक्सीमेट से बोला था. और ये पैकिंग वो लोग अलग लेते हैं. हम यहाँ करीब आए थे 3:30 को, और अभी बच गए हैं 6:30. अभी तक हम यहाँ हैं, तो वो लोग बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करवाते थे, हमें वो फॉर्म आप फिलअप करने पड़ते हैं. ये आ गया हमारा लंबा चौड़ा बिल. बिल के ऊपर ट्रैकिंग नंबर भी होता है, तो आप आपका पार्सल भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पहुँचा.
सो फाइनली हमारा पार्सल हो गया है। हमने पूछा कि वो पार्सल कब पहुँचेगा, तो उन्होंने कहा करीब 10-15 डेज में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने 45 या 50 किलोज का पार्सल करवाया था तो वो 8-10 डेज में पहुँच गया था, और ये पार्सल हो गया है हमारा 55 केजी का। तो अब हम देखते हैं कि ये कब तक पहुँचेगा। तो और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ अवॉइड माई टायर्ड फेस, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पूरा दिन पैकिंग में चला गया था। उसके बाद हम वहाँ गए और वहाँ भी 3-3.5 घंटे लगे और हमने कुछ नहीं खाया था, और आई वॉज डैम टायर्ड। सो प्लीज़ अवॉइड डैट।